शुभ प्रभात मेरे प्रिय छात्रों, आज का विषय है संधि। प्रायः जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो उनके वर्णों में कुछ परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का मुख्य कारण संधि है। चलिए आज उसी विषय को हम समझते हैं। संधि की परिभाषा सामान्य तौर पर यदि आप कह सकते हैं, जो वह मैंने कहा दो पदों को मिलाने पे यदि उसके वर्णों में कोई चेंज हो तो उसे संधि कहते हैं। आप सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, यदि वह परिवर्तन स्वरों में है तो स्वर संधि, यदि वह परिवर्तन व्यंजन में है तो व्यंजन संधि, यदि वह विकार या परिवर्तन विसर्ग में है तो विसर्ग संधि होती है। आज हम लोग विशेष चर्चा स्वरों की करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में परस्पर या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। तो यहाँ मुख्य विषय क्या है, जब दो वर्ण होंगे वर्णों में परस्पर मेल से जो विकार, ये मुख्य बात आपको समझनी है, ऐसे को हम लोग संधि कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण आपको बता दूं। जैसे आप यहाँ देखिए सर्वोच्च शब्द है, सर्वोच्च जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो इसमें दो शब्द है, सर्व प्लस उच्च। यहाँ देखिए यहाँ पे सर्व प्लस उच्च, इस उदाहरण में अ एवं उ मिलकर ओ बन गया, तो यहाँ विशेष क्या है, ओ बनना, और एक इसमें हुआ है एक प्रकार का स्वर में परिवर्तन हुआ है, इस आधार पर ये स्वर संधि। अब स्वरों में परिवर्तन के आधार पर भी इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, आप यहाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ ऊ का हमें ऊ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या बन गया, ओ, अ ऊ मिलके क्या हो गया, ओ, और ऊ का लोप हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण, जैसे पदोन्नति में देखिए पद प्लस उन्नति। सामान्य यदि हम लोग देखते हैं उदाहरण में अ एवं ऊ मिलके यहाँ पे भी ओ बन गया और ऊ का लोप हो, इनमें भी कुछ परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, इसी विकारों को संधि कहते हैं। अब स्वाभाविक बात है यह परिवर्तन स्वर में हुआ है तो यह कहीं ना कहीं स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वरों में भी अनेक भेद होते हैं, आइए हम आज इन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा मुख्य आज का विषय है स्वर संधि, जो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके देखते हैं भेद कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर संधि भी होते हैं, गुण स्वर संधि भी होते हैं, और वृद्धि स्वर संधि भी होते हैं, फिर यण स्वर संधि होते हैं, फिर अयादि स्वर संधि होते हैं। आज हम इन पांचों संधियों को जो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं समझेंगे, इनकी क्या परिभाषा है, इनकी क्या विशेषता है। यदि हम एक बार इनको समझ गए तो कोई भी वर्ण में यदि परिवर्तन होगा तो हम बता पाएंगे वो संधि गुण संधि है या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। दीर्घ संधि, पहले दीर्घ संधि की हम परिभाषा देखते हैं, क्या कह रही है दीर्घ संधि। कह रही जब दो पदों के मेल होने पर पहले पद के अंत में यदि अ आ ई उ वी वी हो और दूसरे पद के आदि में भी अ आ ई उ समान स्वर हो तो दीर्घ संधि कहलाता है। इस संधि की परिभाषा में मुख्य चीजें याद रखनी है, समान स्वर। अब मैं बताता हूँ समान स्वर होते क्या है। मान लो दो पद हैं, मैंने कहा विद्या, इससे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद कर चुके हैं, मैंने कहा विद्या प्लस आ ले, विद्या प्लस आले। आप यहां ऊपर देख रहे हैं विद्या प्लस आले में हमने जो बात की थी एक इस वर्ण की करी थी, यहाँ पे आ है, और दूसरा हमने इस वर्ण की बात करी थी, इसमें भी यहाँ पे क्या है, आ है। ये यानी अ के सामने ये दोनों एक समान ही माने जाते हैं, अ हो या आ हो समान स्वर है,
और इसके सामने भी यदि अ या आ हो आ हो तो ये उदाहरण हमारा कहलाता है समान स्वर। तो ये कैसा प्रयोग है, ये समान स्वर, इसी को कहते हैं समान स्वर। ठीक है, अब जब यहाँ पे संस्कृत में दो चीजों की बात जरूर होगी, समान स्वर और असमान स्वर। समान तो इसको कर दिया और सिंपल है, जब हम बात करेंगे असमान की तो आप असमान में समझ सकते हैं, वहां पे असमान में अ आ ना हो के कोई और स्वर होगा, वो ई हो सकता है, ऊ हो सकता है या री हो सकता है, तो क्या हो गया असमान स्वर। तो यहाँ ये दूसरे पद का मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ और प्रथम पद का ये इस प्रकार से प्रयोग होगा। आशा है आप समान स्वर असमान स्वर समझ गए होंगे। तो दीर्घ संधि क्या कह रही है कि कभी भी अ आ के आगे कब होगा, जब अ आ के आगे दूसरे पद में भी आ आ होगा, इसी प्रकार ई ई के आगे यदि ये जो लिखा है ई हरस्व चाहे बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हरस्व या दीर्घ बात एक ही है, ऐसी प्रकार ऊ और इसी प्रकार री हमें समझना चाहिए। देखते हैं कुछ उदाहरण किस प्रकार से हो रहे हैं। यहाँ देखें ये थोड़ा नियम है जो आपके इस पीले रंग वाले बॉक्स में जो आपको दिख रहे हैं, ये नियम है, ये क्या है एक प्रकार से नियम है, हम इन नियमों को अच्छे से याद कर लेंगे लिख लेंगे, ये क्या है नियम है। तो नियमों को हमें बहुत अच्छे से लिखना है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है हमारे नियम, इन नियमों को हम याद करेंगे अभ्यास करेंगे बार बार, इससे हमारी संधियों में कोई गलती नहीं। तो नियम हमें याद करने बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है पहले वर्ण में आ हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे पद में भी इनमें से कोई भी स्थिति आ सकती है, आखिर होना क्या है आ। इनका नाम दीर्घ संधि इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का अर्थ क्या होते हैं, दीर्घ देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो दीर्घ के रूप में होगा, तो स्वर संधि है तो दीर्घ क्या होते हैं आ होता है। देखिए आगे बता देता हूँ, आ दीर्घ होता है यानी आ बनेगा या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ या दीर्घ री, इसमें हम दीर्घ री इस प्रकार से ये चेंज होंगे, हम इन्हीं की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं मुर प्लस आरी मुरारी, देश प्लस अटनह देशाटनह, राम प्लस अवतार रामा अवतार, देव प्लस आलय देवालय। देख इसमें भी यहाँ दोनों को जब हम वर्ण विच्छेद की दृष्टि देखेंगे सब में अ है, यहाँ आ है, यहाँ आ यहाँ अ, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा आप ये संधि समझ गए होंगे। अब इसका मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ ई वाला, ये आप नोट करेंगे, स्थिति वही है जैसे हमने आ आ वाला किया था, इनमें फाइनली बनता क्या है ई, और आगे यहाँ पे नियम बताया जा चुका है, हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कवि में अंत में हरस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, कविश्वर मही प्लस ईश्वर महेश्वर, यति प्लस इंद्र यतीन्द्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरी प्लस ईश्वर गिरीश्वर, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश, मही प्लस इंद्र महिंद्र। तो हमने कैसे समझा इसको, इसके अंत में क्या हुआ हरस्व ई, कैसे पता लगा, ये देखो ये जो स्वर है ये ई है और दूसरे जब पद है उसके प्रारंभ में कौन सा वर्ण है दीर्घ ई। आप ऐसे करके देख लो आपका ये नियम प्रॉपर मैच होगा ऊपर वाले नियम से। अब देखो ये ई और ई वाला कौन सा रूल है, ई वाला रूल है, तो हमारा ये रूल अप्लाई हो गया और क्या बना फाइनली ये वाला ई बना। ठीक है, बिल्कुल सरल विधि है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो और अपना भी सकते हो। अब ऊ का देख लीजिए इसी प्रकार से, यहाँ आप ऊ का देख रहे हैं, इसके इस प्रकार के नियम अप्लाई होते हैं। कोई भी आप उदाहरण में इस नियमों को
जरूर देखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अनेक शब्द हैं, मैं आपको एक समझा रहा हूँ। भानु उदय, यहाँ पे क्या दीर्घ उ, देखो यहाँ पे उ है, यहाँ पे भी उ, हरेक उसमें दीर्घ उ। अब रघु प्लस उत्तम में ये स्थिति हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण में ह्रस्व उ है, प्लस उसके बाद क्या है वहां पे भी ह्रस्व उ है। तो ये नियम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखो ये फर्स्ट वाले ना, आप ऐसे करके यहाँ से जांच सकते हो, हमारे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब बनेगा क्या, दीर्घ उ। अब देखो हमने क्या करा, इसको जोड़ते समय हम लोगों ने दीर्घ उ बना दिया, तो रघुत्तम। इस प्रकार से भानु प्लस उदय है भानुदय, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, तनु प्लस उर्ध्वम तनुर्ध्वम, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, रघु प्लस उत्तम रघुत्तम, कटु प्लस उक्ति कटुक्ति। अब एक रीका इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। देखिए ये संस्कृत के वर्ण विच्छेद संयोजन पहले ही बता चुका हूँ, वो ही इसमें महत्वपूर्ण है इसको सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी हमने रीका ले लिया, इसी प्रकार से कुछ देख लेते हैं उदाहरण। अब चलिए मैं, आप तो यहाँ स्लाइड में सब देख ही रहोगे, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये हरस्वरी है, यहाँ पे हरस्वरी है, तो दोनों मिलके ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं मातृ प्लस ऋतुज, तो यहाँ पे इस नियम के आधार पे बड़ा री हो गया है, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, ये लगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। अब बात हो रही है गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या कहा जा रहा है, देखिए अब यहाँ बात आ रही है भिन्न स्वर की। मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में समान स्वर सिखाया था, तो भिन्न स्वर से आपको पता है दो वर्ण है, एक पहला पद है दूसरा पद है, दोनों में भिन्नता होनी चाहिए। तो रूल क्या है, पहले पद के अंत में अ आ के अंत होने पर और दूसरे पद के आदि में ई ऊ री री होने पर। यहाँ आप समझिए, पहला कोई भी पद है, मान लो हमने शब्द ले लिया पर, यहाँ जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके अंत में हमारा आ आएगा, ठीक है, और हमने आगे शब्द ले लिया उपकार, मान लो उपकार, इसके आदि में उ हो गया, तो आ और उ मिलके यहाँ पे जो चेंज होता है उसकी बात कह रहे हैं। तो यहां समझ लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे दोनों का आप ज्ञान लेंगे, हरस्वी और दीर्घवी, ठीक है, इनमें कोई हो, यहाँ पे जैसे अ आ है उसी प्रकार बड़ा ई हो या छोटा हो ई, दोनों में ही एक कार्य होगा। आगे पूरा नियम देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है अ आ यानी कोई भी हो सकता है, तो क्या बनेगा ए, ठीक है, यहाँ पे नया शब्द बनेगा ए और यहाँ पे क्या बनेगा ओ, कब, जब प्रथम पद के अंत में, यानी यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है यहाँ पे अ आ हो और उसका उ हो तो ओ बनेगा, तो समझ सकते हैं अब आप क्या बनेगा, इस अ और उ का ओ बन जाएगा, ठीक है। आगे इस पर दो और हैं, अर और अल, तो सिंपल समझिए, इस ई का ए बन गया, इस वाले उ का क्या बनेगा ओ, और री का अर और ली का अल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, इस री आने पे अल बनेगा, री की कोई फॉर्म होने पे ये अर बनेगा, उ होने पे क्या बनेगा, उ होने पे हमारा ओ बनेगा, और ई होने पर, ई होने पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ दिख रहा है आपको ए बनेगा। इसको आप याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कुछ नियम, यहाँ पे कहने का एक स्थिति ये भी बन सकती है, कोई भी ई हो आ हो, आपका बनना क्या है फाइनली ए, और आपको नियम को मैंने रीड करना पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, बनना क्या है फाइनली ए। अब स्थिति देखते हैं, इसके उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा। और आपको उप प्लस इंद्र उपेंद्र, ऐसे और उदाहरण, ईश्वर प्लस इच्छा ईश्वरेच्छा, लता प्लस इन लतीय, पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेन्दु, राम प्लस गण प्लस ईश गणेश, ठीक है। अब हम मान लो इसी को ले लेते हैं गणेश को, तो यहाँ देखिए गण में क्या है आ, यहाँ क्या है आ, सिंपल है, आपको बस नियम से टैली करना है, प्लस दूसरे पद के स्टार्ट प्रारंभ में क्या है दीर्घ ई। अब आप अपने नियम बॉक्स में देखिए क्या नियम अप्लाई हो रहा है, जी हाँ नियम अप्लाई हो रहा है, ये वाला नियम यहाँ पे लग रहा है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण को भी
देख सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, ए। जब ए बना तो यहाँ क्या बन गया, गणेश। आशा है आप इस प्रकार से समझे होंगे। अब मैं आपको दूसरा नियम दिखा रहा हूँ। हमने ई का किया, अब हम ऊ का, यहाँ ऊ का करेंगे तो क्या बनता है, ओ। अब हमें सेम उसी तरीके से देखना है यहाँ पे कैसे इसका नियम अप्लाई होता है। देखिए, हमने यहाँ पर प्लस उपकार लिया है, परोपकार, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अब यहाँ देश प्लस उन्नति, गंगा प्लस उद्गम, हित प्लस उपदेश। यहाँ देखिए ये वाला लेते हैं, क्या नियम अप्लाई होगा, बिल्कुल हम पहले वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या आएगा, आ, और फिर क्या है, उर्मी में दीर्घ उ। तो यहाँ की देखिए नियम चार्ट में क्या आपको दिख रहा है नियम में, जी हाँ बिल्कुल ये आ प्लस उ, आ प्लस उ यहाँ दिख रहा है ओ, तो इन दोनों का मिलके क्या बन जाएगा, ओ। तो यहाँ वही हुआ, आ और उ मिलके ओ बन गया, मोहर में। तो आशा है आप यह नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी आपको स्लाइड्स में सारे दिख चुका है, आप इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे। यहाँ देखिए अगला मैं आपको री के बारे में बता रहा हूँ, कैसे यह नियम अप्लाई हो रहे हैं री। आप देख सकते हैं यहाँ पे री को किस प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पे भी हम लोग इसके उदाहरण से इसका आपको देखेंगे कि प्रॉपर ये मैच हो रहा है या नहीं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो यहाँ अ है, यहाँ री है, ये अ री मिल रहा है, अर हुआ, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देव प्लस ऋषि में देखिए यहाँ पे क्या है, अ और इसके बाद री, अ और री मिलके हमारा क्या बन गया, क्या बना यहाँ पे नियम के अनुसार, अ री मिलके क्या बना हमारा, अर। तो हमने अर बना दिया इसका पहले, देखो ध्यान से। अब जब हमारा अर बना, अब यहाँ पे द हल, व हलंत हो गया, तो इस आ से, इस आ से ये व पूरा हो गया, और ये र जो है ये जाके ऊपर लग गया, और ये री यहाँ से हट गया, और मिला के क्या बना, देवर्षि। ऐसे ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, वसंत प्लस ऋतु वसंत। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वृद्धि संधि के, इसके नियम देख लेते हैं। अब देखिए हमने वहां पे भी अ आ था, यहाँ पे वही है, भिन्न स्वर की बात हो रही है, तो यहाँ अ आ के आगे ये भिन्न स्वर हो तो बड़ा आई बनता है, ये नियम है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे अ आ के बाद इन दोनों में भी कोई ओ हो तो बनेगा औ। अ आ के अंत होने पर और दूसरे पद के आदि में ए आई ओ औ होने पर ये बनते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके नियम, तो अ ये कोई भी स्थिति हो सकती है, बनेगा क्या फाइनली, दीर्घ आई। आप उम्मीद है इसको समझ पा रहे हैं, बनना क्या है, दीर्घ आई, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, मम प्लस एव, ममैव, यहाँ पे क्या था अ, यहाँ पे क्या था ए, दोनों मिलके दीर्घ बन गया, तो ममैव, सिंपल है, ये अ ए मिलके आई हो गए, तो यहाँ क्या रह गया, हलन, और ये ए हट गया, तो यहाँ बढ़ गया दीर्घ आई, और हलन हट के वो दो ए जुड़ गया, तो ममैव। ऐसे एक प्लस एकम में आप देख रहे हैं एक एकम क्यों हुआ, इस अ और इस ए को हटके आई हो गया, एक आई, सदा प्लस एक ऐसे सदैव, विश्व प्लस एकता विश्व एकता, मत प्लस एक्यम मत एक्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, धन प्लस ऐश्वर्यम धनेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, आदि वाक्य बन गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका अगला रूप, ओ और औ वाला, ठीक है, ओ और औ, इनमें से कुछ हो तो क्या क्या होता है, कुछ उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए दिव प्लस ओक्सा, यहाँ ओ और औ है, सिंपल ये वाला नियम है, इस आधार पे हमारा औ बन, आप देख सकते हो, तो इस व हलंत हो गया और ये औ, तो दिव ओक्स। ऐसे जल प्लस ओगा में, ये जल देखो ओ लग गया तो जल औ हो गया, और आगे ये औ हट गया है तो जल हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। से परम प्लस औचित्यम परमोचित्यम, महा प्लस औषधि महोषधि, महा प्लस औत्सुक्यम महोत्सुक्यम।
तो आज का मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सभी प्रिय बच्चों आपका विषय समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे समझने के लिए आप एक बार नहीं अनेक बार अभ्यास करेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।